और मैं देखता चला गया। सेहत से मुतालिक हिदायत पर अमल करें। मैंने देखा कोरोना वायरस नामी वबा ने गुज़िश्ता डेढ़ साल के दौरान हज़ारों लाखों अफराद की जानें ले ली। इस वबा पर काबू पाने के लिए हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन जैसी कई पाबंदियां लगाई गईं, जिसके नतीजे में समाज के तकरीबन तमाम अफराद मुतासिर हुए। मुल्क की मईशत भी तबाह बर्बाद होकर रह गई। अब नए नाम से इस बीमारी ने जन्म लिया है। हुकूमतों ने इस नई वबा पर काबू पाने के लिए दोबारा पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया है। मैंने देखा कर्नाटका हुकूमत ने इस वबा पर काबू पाने के लिए कई इकदाम उठाए हैं। बेंगलोर में स्कूल दोबारा बंद कर दिए गए हैं। रात का कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू नाफिज करके कई एक हिदायत जारी किए गए हैं। हिदायत पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई भी की जा रही है। मैंने देखा कोरोना वायरस से मुतालिक लोगों में मुख्तलिफ राय रही है। किसी ने कहा इंटरनेशनल दवासाज कंपनियों का खेल है, दवाइयां और वैक्सीन फरोख्त करने के लिए हुकूमतों के साजबाज और सौदे हो रहे हैं। किसी की राय है लेबॉरेटरियों में इस वबा को तैयार करके मुख्तलिफ नामों से फैलाया जा रहा है। गर्ज जितने मुँह उतनी बातें। लोगों की राय कुछ भी हो, हमें सेहत के बारे में मोहतात रहने की ज़रूरत है। सेहत से मुतालिक हुकूमतों की हिदायत पर अमल करें। समाजी फासला, मास्क का इस्तेमाल, कर्फ्यू के कानून पर अमल करें। वबा के फैलाव के लिए हम पर इल्ज़ाम लगाने का मौका ना दें। बीमारी से खौफजदा ना हो। किसी भी बीमारी के खात्मे के लिए अल्लाह से दुआ करें।